तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो नंबर 3। इसमें जो मिसकंसेप्शन वाला सीरीज में कर रहा था उसमें वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, एक्सेलेरेशन की एक्चुअल डायरेक्शन किधर होती है। और हम बात करेंगे, कोई बच्चा ये समझता है कि कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, कभी वेलोसिटी की अपोजिट होती है, और कभी जो है मोशन की डायरेक्शन, मोशन इस टाइप से बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये वाले चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या चीज़ होती है। एक चीज़ होती है फिजिक्स में वेलोसिटी, आई होप कि आपको पहले से पता होगा। तो जब कभी भी फिजिक्स में वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ जाती है जो मुझे ये बता सके कि भाई अगर तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही है तो कितनी फास्ट बदल रही है, कितनी स्लो बदल रही है या बदल ही नहीं रही है। अगर वेलोसिटी बहुत फास्ट बदल रही है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 70, 80 इस टाइप से कुछ बहुत फास्ट बदल रही है, तो इस फास्ट वेलोसिटी के वेरिएशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक नई फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है। और जो मुझे बनाना पड़ा, साइंटिस्टों को बनाना पड़ा, उसका नाम है एक्सेलेरेशन। अगर वेलोसिटी बहुत फास्ट बदल रही है तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी स्लो बदल रही है तो एक्सेलेरेशन कम है, वेलोसिटी बदली नहीं रही है तो एक्सेलेरेशन जीरो है यार। तो कुल मिला के जो चेंज इन वेलोसिटी एक नई क्वांटिटी पैदा कर देता है जिसका नाम है एक्सेलेरेशन। जब कभी भी वेलोसिटी बदलेगी तब एक्सेलेरेशन आएगा। अब जब वेलोसिटी बदलती कब, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर कब बदलता है, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाए, जब वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाए, या ये दोनों बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है। तो एक्सेलेरेशन जो होता है, एक्सेलेरेशन को डिफाइन करता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डीवी अपॉन डीटी, ये वाली चीज, या एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन एंड डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देखो, हमेशा याद रख लो, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम इज डेल्टा वी नॉट वी, ध्यान देना। वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो वी टू माइनस वी वन, जब दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर को घटाओगे, भाई वेलोसिटी गाड़ी इधर जा रही थी फिर इधर जाने लगी तो वेलोसिटी बदल गई, जब वेलोसिटी बदल गई तो उस वेलोसिटी के बदलने से चेंज इन वेलोसिटी में जो तीसरा वेक्टर आया डेल्टा वी, उस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी, डेल्टा वी की डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अच्छे से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला केस है, मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है, जैसे ये गाड़ी ड्राइव हो रही है, तो कर्व पाथ है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो हर पॉइंट पे इसका एक्सेलेरेशन है। बट अगर मान लो एक सिंपल सी ऐसे गाड़ी है, एक यहाँ पे है और एक फिर वही गाड़ी कुछ यहाँ पर है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी एक्स एक्स में थी वी वन, वो थी 10i कैप, वेक्टर में ले रहा हूँ, और जब गाड़ी आगे दूसरे पॉइंट पे गई तो वो हो जाएगी 25i कैप, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर वी टू यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी किधर आया, तो फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल वेक्टर कितना है, 25i कैप और माइनस 10i कैप, तो इसको जब घटाओगे तो यह आ जाएगा 15i कैप। तो ये जो डेल्टा वी, देखो चेंज इन वेलोसिटी किधर आया, तो चेंज इन वेलोसिटी आगे आया, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई उसी डायरेक्शन में, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। तो जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो जो एक्सेलेरेशन होता है वो उसी डायरेक्शन और मोशन की उसी के अलोंग होता है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलेरेशन आ गया। बट ये आ गया है, ठीक है, बट उधर देखो, इधर तीन वेक्टर हैं, अगर गाड़ी यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई है, समझने की कोई, तो इधर एक्सेलेरेशन भी है और इधर चेंज इन वेलोसिटी भी है और इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, हर पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इधर मोशन भी हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर अगर गाड़ी एक्सेलेरेट करी है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, या यूँ कहो तो मोमेंटम, मोमेंटम भी एक चीज़ होती है,
तो ये मोमेंटम, ये सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब बाद में बात करेंगे, हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर यही गाड़ी रिटार्ड कर रही है, ठीक है, मतलब अगर दूसरे केस में अगर देखोगे तो यहाँ से व्हीकल था, समझने की कोशिश करना, ये अच्छे से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी वी वन यहाँ पर है और वो है 10 i कैप, मान लिया मैं अगले मोमेंट पे हो गया 8 i कैप, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर वी टू। ऑब्वियसली ब्रेक लगा होगा, स्पीड कम हो रहा होगा, गाड़ी रुकना चाह रही होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, और चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालोगे तो वी टू वैक्टर कितना है, बोलो वी टू वैक्टर कितना है, 8 i कैप, और माइनस साइन तो हमारे पहले से सब्सट्रैक्शन से आ रहा, और ये 10 i कैप, तो कुल मिला के माइनस 2 i कैप। तो वट इवर जो भी टाइम लगा होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आई वो पीछे की पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, आई कैप इधर है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो पीछे की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में आ गई, जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो इधर की डायरेक्शन में आ जाएगी डेल्टा वी, और इधर ही एक्सेलेरेशन आ गया, और इस एक्सेलेरेशन को जनरली हम रिटार्डेशन बोलते हैं, पर रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलेरेशन ले लिया करो, एक्सेलेरेशन याद रखो उसी में माइनस साइन लगा दोगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो इधर अब देखो वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट आ गया, तो इससे क्या, इन दोनों सीनरियों से क्या सीख मिला कि एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकती है, वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकती है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वेलोसिटी के एलोंग है या ऐसे है, क्योंकि वो आ जा रहा ना यार, तो क्यों आ जा रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी उधर है, तो एक्चुअल में जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, बट कभी कभी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो गया, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये अब मान लो ये गाड़ी ऐसे जा रही है, देखो अब ये ऐसे जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में, तो ये वेलोसिटी वी वन आ जाएगा 10 i कैप। अब अचानक से जो गाड़ी थी वो 90 डिग्री टर्न ले लगी, ऊपर जाने लगी, तो 90 डिग्री है 10 टर्न ले ली, ऊपर जाने लगी, तो ये 10 j कैप ऊपर एक्स वाई जे पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप वेक्टर लिखते हैं, तो ये, तो अब मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूँ तो कितना नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा तो आ जाएगा वी टू माइनस वी वन वेक्टर, तो वी टू किधर है भाई, तो वी टू लिखो, ये वेलोसिटी वेक्टर वी टू है, तो वी टू की वैल्यू कितना है 10 j कैप, ठीक है, और v1 कितना है फाइनल में माइनस 10 i कैप। अब इसको i और j में अगर लिखे हो डेल्टा v, तो डेल्टा v किधर आ रहा है, देखो डेल्टा v तब आएगा जब ये जो ये इधर जो चीज़ लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये वाली चीज़, इसका वेक्टर ड्रॉ करोगे ना, डेल्टा v की डायरेक्शन i और j इस फॉर्म में आ रहा है, तो जब इसका वेक्टर ड्रा करोगे स्पेस में, ट्रायंगल लगाओगे या इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो डेल्टा भी दिखने लगेगा। तो अगर ट्रायंगल रूल इस पर लगा दोगे, इसको भाई यहाँ से लिख सकते हो ना 10 i कैप प्लस 10 j कैप, ऐसे लिख सकते हो, तो जब इसका वेक्टर बनाओगे ट्रायंगल रूल से, तो जो 10 जो माइनस 10 है वो माइनस 10 किधर आया, तो माइनस 10 इधर आ जाएगा, माइनस 10 i कैप, ठीक है, और ये 10 j कैप उधर था, 10 j कैप ऊपर था, तो दिस इज द 10 j कैप, ठीक है, तो 10 j कैप उधर है, तो जब इन दोनों पे ट्रायंगल रूल लगाओगे, ये ट्रायंगल रूल लगाओगे, तो ट्रायंगल रूल से चेंज इन वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये तो चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो अब जो ये चेंज इन वेलोसिटी इधर आया, जबकि v1 इधर था v2 ऊपर था, और चेंज इन वेलोसिटी वो इधर आ जाएगा, जबकि वो इधर आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देखो, अब ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इधर आएगा। तो हमने क्या सीखा कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, न कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।